देखिए, कल 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। तमाम देशवासियों को, सनातन धर्म से जुड़े लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, ये निश्चित है कि जब जब श्री माता के नवरात्र की शुरुआत होती है, यहाँ आने वाले श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद के अंदर भी बढ़ती है और श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं पर सुविधाओं की बौछार भी होती है। हाल ही के अंदर जो है श्री माता वैष्णो देवी भवन पर भीड़ से बचने के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया, वहाँ से श्रद्धालुओं के विश्राम को ध्यान में रखते हुए दुर्गा भवन का निर्माण किया गया और यात्री श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जो है वहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच ATM भी लगाने को जो है वो हरी झंडी दी गई। ये तमाम चीज़ें जो है स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ एक और घोषणा की गई थी हाल ही के अंदर कि 9 अप्रैल को यानी चैत्र नवरात्रों के पहले शुभ नवरात्रे पर जम्मू से जो है सीधा माँ के दरबार के करीब जो है हिमकोटी तक के लिए पंछी हेली सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। देखिए, इस सेवा शुरू करने से हमें कोई परहेज नहीं है, हम इसका जो है स्वागत करते हैं, मगर हमारी मांग है कि सुविधाओं की दौड़ में यात्रा के स्वरूप को ना बिगाड़ा जाए और इस सेवा को जो है वो सीमित रखा जाए। देखिए, हमने सड़क और रेल मार्ग के विस्तार के दौरान भी देखा था कि यात्रा को जो है आधा अधूरा बना दिया गया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला दर्शन कौल कंडोली और दूसरा देवा माई को यात्रा मार्ग से अलग कर दिया गया और अब ये हेली सेवा से क्या होगा कि इसका डर सता रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शनों से जो है वो वंचित रह जाएंगे। पहला दर्शन दूसरे दर्शन के साथ साथ पवित्र बाणगंगा के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि उनको अर्धकुंवारी के दर्शनों का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था की भी अगर बात करें तो काफी हद तक जम्मू की अर्थव्यवस्था जो है श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी हुई है, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होना निश्चित है। पहले से ही होटल व्यवसाय, टैक्सी व्यवसाय और धार्मिक पर्यटन से जुड़े तमाम व्यवसाय जो है वो मंदी को झेल रहे हैं, तो हम ये मांग करते हैं जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कि यात्रा के पौराणिक स्वरूप की जो है उसका प्रचार किया जाए, उसको बहाल किया जाए, यात्रा के स्वरूप को तार तार ना किया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि जैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जो है माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण सुविधा दे रहे हो, जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो है पंजीकरण सुविधा जो है वो रख दी जाए। ये तमाम मांगों को लेकर हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे जो है निम्नलिखित में निवेदन कर मिलने का समय मांगा है ताकि इन मांगों को लेकर हम उनको जो है अवगत करवा सकें, ज्ञापन सौंप सकें। धन्यवाद।